हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ आलू प्याज के पराठे और लहसुन की चटनी। तो आलू के पराठे तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपके सामने ये आलू के पराठे बनाऊँगी, जब आप एक बार इस तरीके से बनाकर खाएँगे तो आप आलू के पराठों का स्वाद भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आलू ले लिए हैं उबले हुए, और ये मैंने बिल्कुल बारीक बारीक, देखिए बिल्कुल बारीक बारीक काट लिए, पतली पतली प्याज काट लिए और बीच से दो पार्ट करके बिल्कुल बारीक बारीक हरी मिर्च काट ली है। अभी मैंने चटनी के लिए ले ली है टमाटर, और ये मैंने ले ली है साबुत लाल मिर्च, व धनिया, नमक, हींग और लहसुन की कलियाँ। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी चटनी बना लेते हैं। तो चटनी को बनाने के लिए मैंने टमाटर को एक मिक्सी के जार में डाल लिया है, सारा सामान भी जार में एक साथ डाल लूँगी। चलिए अब इस सामान को मैं एक साथ पीस लेती हूँ। देखिए चटनी हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसनी है, हल्की सी दरदरी, जैसा कि सिल पर हम बनाते हैं उसी तरीके की बनानी है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि हमारी चटनी कैसी बनी है। देखिए ये दरदरी बनाई है मैंने, तो इसका टेस्ट बिल्कुल सिल की चटनी जैसा आता है, जैसे हम सिलबट्टे पर बनाते हैं। अगर हम ज़्यादा बारीक पीस लेंगे तो उसमें झाग उठ जाते हैं, फिर वो चटनी का टेस्ट उसका ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए दरदरी चटनी पीस ली। अब इसे सबसे पहले फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा घी चढ़ा लिया है। अब इसमें हम गर्म होने के बाद घी को, अपनी चटनी को इसमें छोड़ देंगे। चलिए घी को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं, उसके बाद ही हम उसको चटनी को उसमें घी में छोड़ेंगे। तो देखिए घी अच्छे से गर्म हो गया, अब हम चटनी को इसमें छोड़ देते हैं। अब चटनी को बराबर चम्मच से चलाते हुए इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देना है, और इसे बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर पकने देना है। 5 से 10 मिनट में ये चटनी हमारी तैयार हो जाती है। जब ये चटनी हमारी पक जाएगी तो ये घी छोड़ने लगेगी। अब ये देखिए बीच बीच में इसमें चम्मच भी चलाते रहना है, जिससे कि हमारी चटनी नीचे चिपके नहीं। देखिए चटनी हमारी तैयार हो गई है, पक गई अच्छे से। तो ये बिल्कुल एकदम प्रॉपर चटनी वाली इसकी लुक आ गई है। देखिए ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे आप चाहे तो मोमोज के साथ, चाहे तो पकौड़ों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए पराठों की तैयारी कर लेते हैं। पराठों की तैयारी करने के लिए सबसे पहले मैं आलू को अच्छे से मैश कर लूँगी। आपके पास मैसर है तो मैसर से मैश कर लीजिए। मैं कद्दूकस में आलू को घिस लेती हूँ, क्योंकि अगर हाथ से फोड़ते हैं तो उसमें आलू के पीस रह जाते हैं, फिर वो हमारे पराठे से बाहर निकल जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल बारीक पेस्ट बन गया है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में सरसों का तेल चढ़ा लूँगी थोड़ा सा, उसे अच्छे से पकने के बाद उसमें मसाले फ्राई कर लूँगी। अब ये देखिए ये मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, और अच्छे से तेल को हल्का सा गर्म करने के बाद ही मसाले फ्राई कीजिएगा। ज़्यादा तेल गर्म होगा तो उसमें हमारे मसाले जल जाएंगे। अब उसके बाद मसाले भूनने के बाद इसमें हम अपना पेस्ट आलू का अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम अपनी प्याज और हरी मिर्च को मिक्स कर देंगे। अभी देखिए अभी मेरा पेस्ट तैयार हो गया है, मैंने इसमें प्याज भी मिक्स कर दी है। तो चलिए पराठे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने आटा लगा के रख लिया था पहले ही। आटा लगाने के लिए मैंने आटे में थोड़ा सा नमक डाल लिया था, और जिस तरीके से हम रोटी का आटा बनाते हैं उसी तरीके से हमें सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। अब देखिए आटे की लोई ले लेते हैं। आटे की लोई लेने के बाद उसे अच्छे से बेल कर उसकी छोटी सी पूरी के साइज़ की रोटी बना लेंगे। अब देखिए पूरी के साइज़ की मैं इसकी रोटी बना लूँगी। उसके बाद इसमें पेस्ट लगा के अच्छे से बंद करते हुए उसका पराठा तैयार करेंगे। देखिए मैं भरावन ज़्यादा ही डालती हूँ। अगर आपसे एक लोई की नहीं बन पाए तो आप दो लोई बनाकर बीच में पेस्ट भर कर भी बना सकते हैं। देखिए इसे अच्छे से बंद करके इस तरीके से अब हम इसको बेल लेंगे। इसको बिल्कुल उसके हाथ से बेलना है, ज़्यादा इसका प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो हमारी पराठा बिखर जाएगा। हल्के हल्के प्रेशर से आटा लगा लगा कर हमें इस तरीके से इसका एक पतला सा पराठा तैयार कर लेंगे। अभी हमारा पराठा तैयार हो गया है, और इसको हम तवे पर डाल देंगे। अब इसको इस तरीके से पलट देंगे जब ये सूख जाएगा, और अच्छे से घी लगाकर इस तरीके से पलट कर इसे सेक देंगे दोनों तरफ से।
जब इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं तो क्रिस्पी होते हैं ये और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इस तरीके से मैं अपने सारे पराठे तैयार कर लूँगी। ये देखिए ये पराठा तैयार है और ये मेरी ब्रेकफास्ट की थाली तैयार है। तो आप भी ट्राई कीजिए, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।